हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कैड लेक्चर पढ़ेंगे, जो होगा कैड लेक्चर 4.1। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 3 में जहाँ तक हो सकता था आपको क्लासेस में समझा दिया गया, और उस पर एक वर्कशीट भी आपको तैयार करके दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अगर कोई भी इसमें परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ कॉलेज में आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4। देखिए, यूनिट 3 तक आपका जितना भी पोर्शन था वो कैड का था, ये यूनिट 4 से आपका कैम का पोर्शन शुरू है, कैम का पोर्शन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, कैम का क्या मतलब होता है। कैम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसी प्रणाली, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो कंप्यूटर की सहायता से की जाए, तो ऐसी प्रणाली को ही आप कहते हैं कैम। ठीक है, परिचय में इसको पढ़ लीजिए थोड़ा। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक अनुप्रयोग तकनीक है। अनुप्रयोग तकनीक मतलब अप्लाइड टेक्नोलॉजी है, मतलब इसका एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में कर सकते हैं, जो विनिर्माण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का उपयोग करती है। यानी कैम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, पहला तो ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से और मशीनरी की सहायता से जितने भी विनिर्माण प्रक्रिया हैं, विनिर्माण यानी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको सुविधाजनक बनाना और स्वचालित बनाना। ठीक है, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था बच्चों, कि जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट तैयार करना है, और उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए 3 ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले कटिंग करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मशीनिंग करना है, उसके बाद फिनिशिंग करना है। ठीक है, सपोज़ तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये 3 स्टेप्स जो हैं उसमें, तो पहला स्टेप आपने क्या किया, उसमें कटिंग कर लिया, कटिंग करके उसके आकार का आपने बना लिया। उसके बाद देन दूसरे वाले मशीन पे आप लेके जाएंगे मशीनिंग के लिए, वो मशीनिंग होने के बाद फिर तीसरे वाले मशीन के पास जाएंगे जिसमें फिनिशिंग होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने कच्चे माल से एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब कैम में क्या है कि ये तीनों प्रोसेस एक ही यूनिट में किए जा सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिकली किए जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, सुविधाजनक बनाने और स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का उपयोग करते हैं। कैम कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE का संचालक है, और अक्सर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। जब तक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की कोई भी फाइल उसमें इनपुट नहीं करेंगे, तब तक कैम मशीन कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए एक उसको मेजरमेंट चाहिए। फाइन, जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट बनाना है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का, तो ये उसको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को कितने बाय कितने का काटना है। एक्चुअली जो आप ऑटो कैड पे या प्रोई पे डिज़ाइन करते हैं और उस पर जो मेजरमेंट देते हैं 20 बाय 20 का, तो वही चीज़ फीड हो जाती है कैम के सिस्टम में, तो वहाँ से वो रीड करता है, देन उसी रीडिंग के अनुसार उस पर कटिंग ऑपरेशन करना शुरू करता है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कैड के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। सामग्री की आवश्यकताओं के अलावा आधुनिक कैम सिस्टम में वास्तविक समय के नियंत्रण और रोबोटिक्स भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर स्वचालित चल रही है, स्वचालित रूप से या ढंग से चल रही है, तो वो रोबोटिक सिस्टम ही कहलाती है। ठीक है, कैम प्रबंधन सामग्री ट्रैकिंग योजना और परिवहन के अतिरिक्त स्वचालन के लिए भी कंप्यूटर संचालित विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। यानी कैम सिर्फ आपको रॉ मटेरियल से यानी कच्चे माल से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने तक के लिए मदद नहीं करता, इसके अलावा क्या क्या काम करता है, प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, सामग्री ट्रैकिंग का, कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ तक का ट्रैक हुआ, यानी कहाँ तक उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी काम भी यही अपने जिम्मेदारी पर करता है। फाइन, कैम कौशल का लाभ उठाने के लिए सिमुलेशन और अनुकूलन जैसे उन्नत उत्पादक उपकरण भी लागू करता है। यानी कैम में एफिशिएंसी को देखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए सिमुलेशन और
मॉडलिंग का भी उपयोग करता है। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का क्या मतलब है, जैसे कि आपने स्प्रिंग डिज़ाइन की सॉफ्टवेयर में, ठीक है, स्प्रिंग डिज़ाइन किया, अब वो स्प्रिंग जब एक्चुअल रियल लाइफ में बन के आएगा तो किस तरह का व्यवहार करेगा, इस चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर की सहायता से भी देख सकते हैं बिना उसको एक्चुअली मार्केट में लाए, है ना। यानी कि जितने भी उस पर एक्शन और रिएक्शन किए जा सकते हैं वो सारे टेस्ट हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर सकते हैं उस स्प्रिंग पे। तो ऐसे कंडीशन में उस स्प्रिंग का क्या रिएक्शन रहता है, कैसा बिहेवियर होता है, क्या वो लोड सह पाता है या नहीं सह पाता है, तो वो सारी चीज़ें बिना रियल लाइफ में लेके आए सॉफ्टवेयर की दुनिया में ही चेक कर लेना, इसी को हम कहते हैं सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ठीक है। तो कैम में किसी भी प्रोडक्ट की आप सिमुलेशन एंड मॉडलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र बताए गए हैं कि किन किन क्षेत्रों में कैम का उपयोग किया जाता है। पहला है विनिर्माण प्रक्रिया और उसकी उपयोग जटिलता, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स या जटिल आपके ड्राइंग्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का भी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है आसानी से कैम के द्वारा। उत्पादक जीवन काल चक्र और आधुनिक उद्यम एकीकरण, यानी इसमें ये भी है कि इस कैम सिस्टम की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट साइकिल का लाइफ साइकिल हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप से गुजर के वो एक फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है, इस सारी चीज़ों पर भी हम नज़र रख सकते हैं। तीसरा है मशीन प्रक्रिया स्वचालन, यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें या प्रोसेसिंग होती हैं वो सब स्वचालित रूप से होती हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉर्म में होती हैं। और चौथा है आधुनिक कैम समाधान स्केलेबल है और असतत प्रणालियों से लेकर मल्टी कैड 3D एकीकरण तक है, यानी जो आजकल का जो कैम सिस्टम चल रहा है उसमें ये बता रहा है कि उसमें मल्टी कैड यानी कि एक से अधिक कैड से भी अगर आपने कुछ उसमें प्रोडक्ट बनाए हुए हैं तो उस चीज़ का भी एकीकरण करके उसमें डाल दिया गया है। यानी उसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी नई डिवाइसेज आते हैं तो उसमें हर एक चीज़ का हर एक प्रोसेस उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है ना। जैसे कि अब विंडोज़ 11 आया है तो विंडोज़ 11 में मैसेंजर का हो गया, चाहे से एक्सबॉक्स का हो गया, चाहे फिर कोई भी कार्ड पेमेंट का हो गया, ये सब की फैसिलिटी इंक्लूड कर दी गई है। वेदर का रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको इन सब काम के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन इसने क्या किया कि विंडोज़ 11 में वो सारी सर्विसेज भी इंक्लूड कर दी। ठीक उसी तरीके से नया जो आधुनिक कैम है उसमें मल्टी कैड 3D एकीकरण भी किया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो यहाँ पर है, जो यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है पेज नंबर 116 पर, किस तरीके से मतलब एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके उसको मार्केट में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैम, वो सारा फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। कैम का वर्किंग एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि हमने बताया आपको कि कैम का काम कैड के अनुसार चलता है, क्योंकि कैड के अनुसार ही तो वो सारे डायमेंशंस को सेलेक्ट करता है ना, ठीक है। तो एक और आप देख रहे होंगे कि आपने डिज़ाइन मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ, और दूसरा है वर्क पीस। दोनों ही यानी कि किस हिसाब से बनाना है वो डिज़ाइन मॉडल से पता चलता है और किस चीज़ का बनाना है वो वर्क पीस से भी डिपेंड करता है। इन दोनों को मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल तैयार किया जाता है। उसके बाद नीचे आइए सेटअप मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूरा सेटअप करना, ठीक है। अब सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं, फिक्चर्स, और इधर साइड से मशीन टूल्स और टूल्स, फाइन। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आता है ऑपरेशन सेट UPS, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन करना अब यहाँ से शुरू हो जाता है। ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल की एक सीक्वेंस या फिर उसकी आधार आपको बतानी पड़ती है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि ऑब्जेक्ट में 3 प्रोसेसेस करने हैं, पहला है कटिंग करना, मिलिंग करना, और तीसरा है फिनिशिंग करना, तो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें कैम में आपको ऑपरेशन सेट करने के बाद ये एक CNC का सीक्वेंस भी सेट करना पड़ता है। उसके बाद है
क्रिएट CL डेटा फाइल्स, ठीक है। तो CL का मतलब होता है कंट्रोल लैंग्वेज डेटा फाइल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने सीक्वेंस में सेलेक्ट कर ली तो उसको आप सेव कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि मतलब सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए और वो चीज़ सेव ना हुआ हो, तो फिर जो होता है प्रोसेस जो है आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट प्रोसेस, उसके बाद फिर प्रोग्राम वेरिफिकेशन, एंड देन सीएनसी प्रोग्रामिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट आपके बाहर आ जाता है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें उस पर टेस्टिंग करनी होती है तो कैम के सहायता से भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के ज़रिए, कि वो किस तरीके का बिहेवियर और नेचर शो करेगा जब रियल लाइफ में आएगा। तो फाइन, उसके लिए बच्चों कैम में दो तरीके के कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है जी कोड और दूसरा होता है एम कोड, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार जब मॉडल मशीनिंग के लिए तैयार हो जाता है तो वह सभी जानकारी मशीन को भौतिक रूप से भाग उत्पादन करने के लिए भेजी जाती है। हम मशीन को अंग्रेज में निर्देशों को नहीं दे सकते, हम उन्हें अपनी मशीनिंग की जानकारी को जी कोड और एम कोड में बदल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी सीक्वेंस किसी भी प्रोडक्ट पे ऑपरेशन का फॉलो करना है तो उसे हम टाइप ये नहीं कर सकते हैं कि पहला ऑपरेशन पॉइंट वन में आप ये लिख दिए कि कटिंग, फिर पॉइंट टू में आपने लिख दिया मशीनिंग, और देन आपने लिख दिया उसमें फिनिशिंग, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको हर एक प्रोसेस को कोड में तब्दील करना होगा। जैसे कंप्यूटर को कोड कौन सा समझ में आता है, ज़ीरो और वन का बाइनरी कोड समझ में आता है, उसी तरीके से कैम को जी कोड व एम कोड समझ में आता है। जी कोड का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक कोड और एम कोड का मतलब है मशीन कोड, फाइन। तो बच्चों ये था आज के इसके लेक्चर का पूरा ओवरऑल रिव्यू। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, वो इस नियत से कि आपको और भी ज़्यादा लेक्चर्स लेने पड़ते होंगे, तो हर एक लेक्चर अगर 20-40 मिनट का बन जाएगा तो आप दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वाला यूनिट का कुछ भाग जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा, और आप इससे जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलता रहेगा, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उसका क्या उपलब्धियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप इस चीज़ को पढ़ाई करते रहें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।